तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही इजी और यूनिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बड़े साइज का बाउल लिया। इसके अंदर मैं 4 अदद अंडे डालूंगी। अंडे ठंडे नहीं होने चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। इसके अंदर अब मैं 1/2 कप चीनी डालूंगी। चीनी पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। जो हम घर में चीनी इस्तेमाल होती है वही चीनी है, कास्टर शुगर भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पहले इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा सा मिक्स करूंगी ताकि चीनी जो है बाहर ना गिरे। और अब इसको बीट करेंगे हम इलेक्ट्रिक बीटर से हाई स्पीड पर। इलेक्ट्रिक बीटर से ये 8 मिनट में अच्छे से बीट हो जाएंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, हैंड बीटर से आप करें तो 10 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं। तो पूरे 8 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं साइज में ट्रिपल हो गया और क्रीमी टेक्सचर इसका हो गया है। अंडे और चीनी जो अच्छे तरीके से जब बीट होते हैं तो इस तरह के क्रीमी हो जाते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वनीला एसेंस आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, ये अंडों की स्मेल खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा सा बीट करेंगे इसे। यहाँ पे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया, उसमें से 1 टेबलस्पून निकाल लिया, उसे एक बड़े बोल में शिफ्ट कर दिया। मैदा आपने पहले ही छान लेना है। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर कोको पाउडर ऐड होगा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग पाउडर जाना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना आपने। और इसको आप विस्क से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और एक बात, मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून का आपने इस्तेमाल करना है इन सब चीज़ों में। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे थे इसको अंडे वाले जो मिक्सचर है उसके अंदर छान के डालेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करके मैं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप छान के इसमें अच्छे तरीके से डालें। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप इसके अंदर डाल दें। तो आपने जो बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर है, इससे लो स्पीड पे, बिल्कुल 1 स्पीड पे आपने इसे बीट करना है। एक ही डायरेक्शन में बीट करना है और अच्छे से मिक्स करना है। जोर जोर से नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें तो 1/4 कप इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल जाएगा। फ्लेवर लेस होना चाहिए, यानी इसमें फ्लेवर नहीं कोई होना चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। जब आप ऑयल को अच्छे तरीके से बीट कर लें तो आपने मशीन को साइड पर रख लेना और स्पैचुला से सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना। और जो लम्स है खत्म हो गए हैं, बैटर तैयार है। मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया, यानी केक का सांचा लिया है राउंड शेप में। ये आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट से। और अब इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने ऑयल डाला और ब्रश से इसको ग्रीस करूंगी। यहाँ पे मैंने कागज लिया, उसे भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया। कोई सा भी पेपर ले लें, आप बटर पेपर ले लें, मैंने यहाँ पे सादा जो कागज होता है वो लिया। और इसको भी ऑयल इसके ऊपर 1/2 टीस्पून डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे जो है मोल्ड अच्छे से ग्रीस हो गया, इसके अंदर जो सारा बैटर है हमारा वो डाल देंगे। देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा जो बैटर है रेडी हुआ है। कोई इसमें गुठली नहीं है, लम्स नहीं है। तो ये सारा इसमें डाल देंगे। ये केक हम विदाउट ओवन बेक कर रहे हैं, यानी पतीले में। तो पतीले में केक बेक करने के लिए 25 से 30 मिनट लगेंगे। इसे 25 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम बेक करेंगे पतीले में। 15 मिनट पहले आपने पतीले को प्रीहीट कर लेना है। अगर आप ओवन में केक बेक करना चाहते हैं तो आप 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। और ओवन जो है 10 मिनट पहले प्रीहीट होना चाहिए। तो इसको इस तरह से टैप टैप करेंगे ताकि बबल्स खत्म हो जाए। और बेक करेंगे इसे 25 मिनट के लिए। तो जब तक चॉकलेट केक बेक होता है तो हम उसके लिए चॉकलेट सॉस बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्रेव की डार्क चॉकलेट ली है। 200 ग्राम वाली डार्क चॉकलेट लेनी है, मिल्क चॉकलेट आपने नहीं लेनी। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही वाली डार्क चॉकलेट यूज करें, आप कोई सी भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं किसी भी ब्रांड की। तो अब इसको जो है मैं इस तरह से कट कर रही हूँ नाइफ से। चॉकलेट जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, मतलब रूम टेम्परेचर पर रखी हुई थी, इसलिए इजिली क्यूब्स में कट हो गई है। अपने भी चॉकलेट को इस तरह से क्यूब में कट कर लेना है, या आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया। 1/2 कप दूध और ये चॉकलेट हमें चाहिए चॉकलेट सॉस बनाने के लिए, सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया, उसके अंदर 1/2 कप जो दूध था वो डाल दिया। और इसके अंदर वो जो चॉकलेट हमने क्यूब्स में कट करके रखी हुई थी वो डाल देंगे सारी। और फ्लेम को आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, बिल्कुल ज्यादा फ्लेम नहीं रखनी वरना चॉकलेट जल जाएगी। इसको साथ साथ आपने किसी भी चम्मच से या स्पैचुला से मिक्स करते रहना है ताकि जो जले नहीं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको अच्छे तरीके से जो है मेल्ट होने में। पूरे 5 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं कि चॉकलेट जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है, दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। और देखिए बिल्कुल भी नीचे सॉस पैन के साथ लगी। और ये जो हमारी चॉकलेट सॉस है ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे आप कोई सा भी खुला बर्तन ले लें और इसके अंदर जो ये सारी चॉकलेट सॉस है डाल दें। इसे इसलिए डालना है ताकि जो है ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इस सॉस की आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। और एक और बात, जब ये चॉकलेट मेल्ट हो जाए तो आपने फौरन फ्लेम को बंद कर देना, ज्यादा नहीं पकाना। यहाँ पे जो है हमारा केक भी बेक होके आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा राइज हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जला हुआ है कहीं से। और ये देखिए इसका मैं रैपर उतार के आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए केक को मोल्ड से निकाल लिया और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। आपको मैं चेक कराती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। तो अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। रूम टेम्परेचर
पर। केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया, अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे मैंने केक की नाइफ ली है और स्पंज पे इस तरह से आपने हाथ रखना है और इस तरह से कट करना है। एक ही डायरेक्शन में आपने कट कर देना, ना रुकना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में कट करना है, फिर ही केक अच्छा कट होगा। इसके लास्ट पे आपने इस तरह से हाथ रखना ताकि केक टूटे नहीं। और ये देखिए मैंने इसको दोनों इक्वल पार्ट्स में स्पंज को डिवाइड कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज्यादा सॉफ्ट है ये। और अब इस केक को सॉफ्ट करने के लिए हम चॉकलेट मिल्क बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। 1 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी जाएगी, आम चीनी या पिसी हुई चीनी डालना चाहिए तो आपकी मर्जी है। चीनी डालने के बाद आपने इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, इसके अंदर अब जो चॉकलेट सॉस बनाई थी 1 टीस्पून इसके जाएगी और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चॉकलेट मिल्क है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो अभी जो चॉकलेट हमारा मिल्क है इसको हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से पहले ब्रश से इस पे अच्छे से मिल्क अप्लाई कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से दोनों स्पंज पे अच्छे से अप्लाई करना है। तो हाफ मिल्क मैंने इस पे अप्लाई किया और हाफ बचा लिया है। तो यहाँ पे मैं इसे फिंगर से चेक कर रही हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं से ड्राई है तो मैं इसके ऊपर और मिल्क डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से चेक करना है आपने दोनों स्पंज पे यही मेथड से। अब इसके बाद हम चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज का बाउल लिया, इसके अंदर मैं 2 कप व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। ये क्रीम ठंडी होनी चाहिए, यानी फ्रिज में पड़ी होनी चाहिए, फुल चिल्ड होनी चाहिए, बर्फ नहीं बनी होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से इसमें डाल दी है मैंने सारी। तो यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से हाई स्पीड पे बीट कर रही हूँ, 6 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से ये जो है बीट हो जाती है। अगर आपके पास हैंड बीटर है, ये मशीन नहीं है, तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन बीट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है चॉकलेट सॉस डाली है, जो हमने पहले बनाई थी वो इसके अंदर एड होगी। 2 टेबल स्पून आपने डालनी है। इसको फिर से हमने इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि जो चॉकलेट सॉस है क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से हाई स्पीड पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने देखा कि इसका कलर लाइट है, तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून मजीद चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ ताकि इसका कलर मजीद अच्छा आ जाए। तो इसको फिर से बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से हाई स्पीड पर। अच्छे से बीट करने के बाद आपने मशीन को साइड पे करना है, स्पैचुला से इस क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखिए कितनी अच्छी व्हिप्ड हुई है, और जो नीचे थोड़ी व्हाइट क्रीम रहेगी उसको भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे तरीके से क्रीम मिक्स हो जाए। अब हम केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे टर्नेबल स्टैंड पे क्रीम लगाई है थोड़ी सी। इसको इसलिए लगाई है ताकि जो है इसके ऊपर जब हम स्पंज अप्लाई करें तो वो एक जगह स्टेबल रहे, हिले नहीं। अब इसके ऊपर मैं स्पंज रखूंगी, जो जिसके ऊपर हमने चॉकलेट मिल्क जिस साइड पे अप्लाई किया था वो नीचे रखनी है साइड, और जो दूसरी साइड है जिसपे चॉकलेट मिल्क अप्लाई नहीं किया वो आपने ऊपर रखनी है। तो अब जो इसकी दूसरी साइड है आपने देख सकते हैं ड्राई थी, इसके ऊपर भी अब मैं चॉकलेट मिल्क अप्लाई करूंगी। इससे ये होगा कि दोनों साइड चॉकलेट मिल्क इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा और ये बहुत जूसी सा केक बनेगा। ये एक टिप है आप लोगों के लिए, आप इसे जरूर फॉलो करें। ब्रश से मैं इसके ऊपर चॉकलेट मिल्क लगा रही हूँ, अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चम्मच से भी ये मिल्क अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करना है। जब चॉकलेट मिल्क आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो आपने इसको फिंगर से चेक करना है कि केक अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। तो अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, तो क्रीम की मकदार आपने थोड़ा ज्यादा लेनी है क्योंकि इस केक में क्रीम ज्यादा डलती है। और ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको पैलेट नाइफ से सेट कर लेना है, और जो चॉकलेट सीरप है इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालना है, और चोको चिप्स में डाल रही हूँ। चोको चिप्स डालने के बाद आपने इसके ऊपर और क्रीम डालनी है और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, और 1 टेबल स्पून इसके ऊपर चॉकलेट सॉस अप्लाई करनी है। जो दूसरा स्पंज था वो इसके ऊपर रखेंगे, मिल्क वाली साइड आपने नीचे रखनी है और ड्राई वाली ऊपर रखनी है, और इसको इस तरह से प्रेस करके सेट कर देंगे। और अब इसके ऊपर भी जो चॉकलेट मिल्क हमारा बच गया है वो इसके ऊपर सारा डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने ये डालना है, और ये टिप आपने जरूर फॉलो करनी है, बहुत अच्छा केक बनेगा आपका भी। और अब इसके ऊपर भी क्रीम अप्लाई करके सेम उसी तरह से इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। ये देखिए इस पैलेट नाइफ से आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना, साइड से भी ऊपर से भी। इसकी साइड्स को कवर करने के लिए बहुत एहतियात से आपने पैलेट नाइफ से या स्पैचुला से इसको इवन कर लेना है, आहिस्ता आहिस्ता से करना, जोर जोर से नहीं करना वरना खराब हो जाएगा। तो हम केक की क्रीम जो है उसको प्लेन करेंगे, तो स्पैचुला को गर्म पानी में डिप करना है और टिश्यू से इस तरह साफ करना है, और इसको इस तरह से इवन करना है, सेम इसी मेथड से साफ करना है, फिर से गर्म पानी में डिप करना है और टिश्यू पे अप्लाई करना है। देखिए इस तरह से क्लीन हो जाएगी ये। अब जो क्रीम बची थी मैंने एक पाइपिंग बैग में डाली, और स्टार नोजल है, इसका कोई नंबर नहीं है नोजल का। तो अब इसके ऊपर हम ड्रॉप्स लगाएंगे, आमने सामने ड्रॉप्स लगाएंगे, इस तरह आपको आसानी रहेगी और कोई भी जो नोजल है वो खराब नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर ड्रॉप्स लगा रही हूँ, आमने सामने आपने लगाने हैं, और तकरीबन 8 इसके ऊपर आई थिंक ड्रॉप्स लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह की डिजाइनिंग मैं कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है कि जैसे भी आप डिजाइनिंग करना चाहें। अगर आपके पास ये स्टार नोजल नहीं है तो कोई भी नोजल है उस तरह की डिजाइनिंग कर लें आप। तो मेरी चॉकलेट सॉस बची थी वो सारी मैं इसके ऊपर बॉल से डाल रही हूँ। अगर आपसे इस तरह से नहीं डलती, आपको मुश्किल हो रही है, तो आप पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल सकते हैं ये।
एक और बात, आप पहले चॉकलेट सॉस साई लगा के ऊपर अप्लाई करके कवर करके केक को बाद में इसके ऊपर ड्रॉप्स लगा सकते हैं। और इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर चॉको चिप्स डाल रही हूँ। अगर आप कोई बर्थडे के लिए या किसी भी पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए केक बना रहे हैं तो आप इसके दरमियान में जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक बना है हमारा। और इसे 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख दे ठंडा होने के लिए। अब इसे हम कट करेंगे। केक इतना सॉफ्ट है, कट करने में आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा केक बनता है। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसे केक का होता है, जैसा हम मार्केट से केक लाते हैं वैसा ही आप घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये थी आज की चॉकलेट क्रीम केक की रेसिपी। बहुत ही आसान है केक बनाना और इसका टेस्ट वाकई में बहुत ही अच्छा होता है। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा देखने में कि कितना ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आपको रेसिपी की कहीं से भी समझ नहीं आई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।